अप्रैल का महीना जिथे गर्मी की लू थी स्किन साड़ देगी उ मोदी सरकार झटका देने की तैयारी है जी। जी हाँ, इस गर्मी की लू नालों भी ज़्यादा तपश भरिया फैसला तुहाडे सामने लेके आ रही है मोदी सरकार। जी हाँ, बहुत वड्डा झटका। यह झटका यह जहा कि तुहानू हार्ट अटैक भी आ सकदा है, परंतु फिर भी गल की जाए तो एक बहुत वड्डा झटका। इस झटके को लेके मैं जसविंदरपाल चैनीशान पंजाबी तुहाडा स्वागत करदा ते गल करदे हां। अप्रैल का महीना, अप्रैल की चढ़ती सवेर तुहानू मतलब तुहाडी जिहड़ी सेहत है, सेहत लई खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि सेहत या बीमार बंदा अपनी सेहत को सुधारने लिए कोशिश करता है दवाइया के नाल। वैसे तो आप देखी जाए तो हरेक बंदे दे जीवन जिहड़ी क्रिया है वह मतलब प्रतिदिन दवाई नाल ही शुरू होता है कि खाली पेट तो लैके रात तक खाली पेट तक कई दवाइया लीतिया जांदियां ने, आम आदमी सेवन करता है। परंतु हुण राहत भरी खबर नहीं भारतीयों लई, तुहानू दस दिंदे आ कि एक बहुत वड्डे झटके वाली खबर मोदी सरकार ने भारतीयों नू दित्ती है। जानी कि तुहाडे घरां दा राशन ता राशन ते तेल पेट्रोल डीजल पहला ही हिला चुके ने, परंतु हुण दवाइयां तुहाडी जिहड़ी इह बचत है वो अपने आप ढिड अंदर समाउण दी तैयारी च, मतलब तुसी महंगाई दा झटका भी सहन करोगे नाल नाल तुहाडियां जिहड़ियां दवाइयां ने जिन्हां विच कैंसर हो गया, शुगर हो गया, हाई बीपी हो गया ते होर कई तरीके दीयां बीमारियां ने, उहदे विच तुहानू झटके तो झटका देण, मतलब तुसी एक पासे टेंशन हो कि कैंसर वर्गे रोग तो जां किडनियां वर्गे रोग तो किवें निजात पाओगे, परंतु इहदे विच राहत भरी कोई खबर सामने नहीं है। तुहानू दस दईए कि हुण इहनां दा उपचार बहुत महंगा हो जाएगा, जिहड़ी कि तुहाडी पहुँच तो होर बाहर हो सकता है। पहला ही कई हिंदुस्तानियों के हालत देखे जाते हस्पतालों में कि एडिया भयानक बीमारियों का सामना करते उन्होंने घर तक बेचना पै जाता है। परंतु हुण एक होर झटका यह जहा कि दवाइया 10 पैसे भी महंगिया हो जाएगी, मतलब कि 1 रुपए की दवाई च 10 पैसे का वाधा, मतलब 10 पैसे 8 उपर जिहड़ा 10.8% वाधा हो जा रहा है, वो भी अपने आप में बहुत वड्डा है। इन्हां विच पेन किलर एंटीबायोटिक अते एंटीवायरस दवाइया ने यह तुहाडे पसीने छड़ा देणगियां, क्योंकि इहदे विच जिहड़ा वाधा होया है बहुत वड्डा वाधा है। जाने कि यह समझ लो कि तुसी हुण इलाज तो भी वंचित हो सकते हो। यह फैसला भारत सरकार की जिहड़ी इंडियन ड्रग्स प्राइजिंग अथॉरिटी ने स्वीकार दी है, हरी झंडी दे दी है, तो हुण भारत सरकार वालों भी जिहड़ी सिफारिश की उन्होंने सिफारिश की सी उन्हों भी मान लिया गया है। तो मतलब कि अप्रैल का महीना चढ़ती अप्रैल तुहाडे लई तुहाडी दवाइयां लई महंगी साबित होगी, जिते पहला पेट्रोल अते डीजल ने हाहाकार मचा रखी है उत्ते हुण दवाइयां घर की रसोई सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कि मोदी सरकार एक बार फिर तुहाडे घरां ते चपत ला सकदी है। भावें रूस अते यूक्रेन युद्ध नूं छेड़ के गल कीती जांदी है, परंतु फिलहाल जे गल कीती जावे सियासी माहिरां दी तां उह कहिंदे ने कि जिहड़े प्रधानमंत्री दी विदेशी यात्रा ते खर्च आउण वाला पैसा जां हवाई यात्रा ते खर्च आउंदा है उह इहनां नूं दवाई कंपनियां ही दिंदियां ने, जिन्हां नूं खुश करन लई इह कीमत वधाई गई है। जबकि दूसरे पासे जिहड़े सेहत माहिर ने जां व्यापारक हैल्थ है जिहड़ा बिजनेस जिते डिपेंडेंट करता है, वह उन्होंने माहिरां दा कहना है कि इहदे विच WPI की जिहड़ी शर्त है उहदे विच इह इजाफा होना तय है, जिस करके हुण इह रेट तुहानूं महंगे मिलेंगे। मतलब तुसीं शुगर दी दवाई शुगर घटाउण लई लैंदे हो, माफ करना कि जिहड़ी दवाइयां ने दवाइयां दा जिहड़ा प्रैशर हुंदा है कम हुंदा है वो तुहाडी सेहत नूं मानसिक तनाव घटाउण वाला हुंदा है, परंतु हुण दवाइयां ही यह मानसिक तनाव वधा सकदियां ने, जिवें कि तुहाडा ब्लड शुगर जां को BP बढ़ सकदा है इन्हां दा जदों तुसीं इह दवाइयां नूं खरीदोगे। आखिर तुहाडी की राय है इस स्टोरी बारे, अपनी इस स्टोरी नूं
कमेंट देंदे होए वध तो वध शेयर करो क्योंकि तुहाडे घर रसोई ते सेहत दा मामला है। तुसी देखदे रहो चैनल शहर पंजाबी माण पंजाब दा। धन्यवाद।